अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज जो है ना हमारे वकार भाई की छत पे, इनके पास बहुत ही कमाल कमाल के मुर्गे हैं। ये आज हमें अपने सारे मुर्गे दिखाएंगे और बताएंगे कौन कौन सी नस्ल का मुर्गा है। तो अभी इनसे पूछते हैं इनके पास कौन कौन सा मुर्गा है, ये बताएंगे वकार भाई हमें। ये सील शामू मुर्गा है। ये कितने तक का है? ये जोड़ा 40 से 45 हज़ार तक का जो है ना इसका जोड़ा मिलता है। ये इसके अंदर बंद कर रहे हैं और अभी ये अंदर कमरे में और मुर्गियां, ये अंदर जाके दिखाएंगे बाकी। पूरा सेटअप है इधर, मुर्गे का यहाँ पे। ये सेल भी कर रहे हैं, अगर किसी ने लेना हो तो इनसे रब्ता कर सकता है। और वो इसके साथ वाले, ये इसके साथ में वो जो शामू है ना, वो जो बाहर जो जिसको दिखाया है फीमेल, ये उनकी सारी ब्रीड ली हुई है। ये इनके बच्चे हैं, वो ये चिक्स हैं उनके, ये भी चिक्स हैं। ये सारे इनके इनकी बच्चे हैं। हाँ, उसी और शामू का जो बाहर माटी दिखाई है ना, उसके ये उसके चिक्स हैं सारे। ये भी देसी है। हाँ, ये देसी है। ये सारे सेल कर रहे हो? नहीं, जो देसी है बस वो सेल कर रही है। देसी मुर्गे और मुर्गी जो है वो सेल कर रहे हैं, शामू भी कर रहे हैं सेल भी। उन्होंने इसके बच्चे रखे हुए हैं, साथ देसी इधर रखे हुए हैं। लंबे लग रहे हैं अभी, जवान नहीं हुए ना। अभी ये 10 माह के हैं, 11 माह के तकरीबन, ये साल में जाके जवान होते थे। वो बाहर जो था वो जवान था, वो अभी है जवान है। उन्हीं की तो ब्रीड है ये, और वो सारे वो जो पट्टे और वो चीज़ जो दिखाए हैं सारे उसी की ब्रीड है। ये वाइट कलर का बहुत ही प्यारा देसी मुर्गा है, इसके साथ एक ब्लैक है, गोल्डन में भी है। इसके दिखाई है वो, इसकी सारी ब्रीड है। ये है शामू भाई, और शामू भाई है। मैंने वकार भाई को कहा, उन्होंने जो अंदर चिक्स रखे हैं वो बाहर निकाल के लाए, उनकी भी हम एक छोटा सा क्लिप बना के डाल देते हैं। वैसे आज मौसम जो है वो बहुत प्यारा हुआ है, बादल आए हुए हैं हल्के हल्के से, तो अभी ये थोड़े से लिए आए हैं, बाकी भी ला रहे हैं। तो फिर ये दिखा दूँगा आपको चिक्स से सारे जिसकी ब्रीड है साथ, वो भी दिखा दो अभी मैं आपको। ये इसको खाना खिला रहे हैं, बच्चे वगैरह खाना खा रहे हैं। मैंने रोटी डाली है इसे खाने के लिए, ये वो खा रही है। हिला रहे हैं आपस में, वो बच्चे को मार रही है इसलिए उसको अंदर ले गए। ये बड़े आराम से खाना खा रहे हैं अपने। ये किबिया भाई ने मुर्गा पकड़ा, ये देसी है। ये देसी मुर्गा, इसकी टांगे नीचे करना। ये बहुत ही खूबसूरत मुर्गा, वाइट कलर का। इसके अलावा इनके पास पौधे वगैरह हैं, उनकी कलेक्शन भी आपको दिखाते हैं अभी। ऊपर रखे हैं इन्होंने पौधे वगैरह। ये सील भी पकड़ लिया, दिखाता हूँ अभी जो है ना, मैं आपको इनकी जो पौधों की कलेक्शन जो है वो मैं दिखाता हूँ। ये इनकी नहीं है, ये इनके वालिद साहब का शौक है, तो इनको जो 2-3 ही नाम पता है पौधों के वो बता देंगे। ये बाकी इनके वालिद साहब का शौक है, इन्होंने ऊपर पौधे रखे हुए और अंदर मुर्गे वगैरह रखे हुए हैं।
ये जो है नीम का नींबू का पौधा है, इसके ऊपर छोटे छोटे लगे हुए भी हैं। उसके अलावा ये इधर थोड़े से रखे हैं पौधे, बड़े फूल वगैरह हैं। साथ ही एलोवेरा का पौधा है, ये ऊपर लगाएंगे थोड़े से। बाकी ये इधर है, ये बड़े पत्तों वाला है, इसका नाम पता नहीं हमें। बाकी ऊपर आप ऊपर जाके दिखाते हैं। सारे एलोवेरा की कलेक्शन है सामने। ये नियाज़बो आ गया, ये इसका नाम नियाज़बो है। ये जो है इसका नाम नियाज़बो है। ये थूक मलंगा पौधा। उसके अलावा ये काफी सारे पौधे रखे हुए हैं। अब ये थोड़ा शाम हो गई है ना, ये सारे फूल बंद हो गए। तो सुबह खुले होते हैं सारे। हाँ, ये जितना जितनी धूप ज़्यादा होती है उतने ज़्यादा खिलते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। आगे भी आगे चलो। ये भी हैं फूल नहीं है तो भाई, ये सारे एलोवेरा के पौधे हैं यहाँ पे, जितने भी हैं सारी एलोवेरा की कलेक्शन रखी हुई है। ये भी एलोवेरा की कलेक्शन है सारी। मैं अपने मुर्गे और पौधे दिखाए हैं जो रखे हुए इन्होंने। उसके अलावा दोनों मिक्स है, मिक्सी है। उसके अलावा ये देसी जो मुर्गे हैं वो बेच रहे हैं, अगर किसी ने लेना हो तो मैं इनका नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो इनसे रब्ता कर सकता है देसी मुर्गों के लिए। तो भाई ये था आज का हमारा ब्लॉग। इन्होंने मुर्गे वगैरह रखे थे, इन्होंने कहा हमारे मुर्गे वगैरह के साथ भी ब्लॉग बना लो, उन्हें भी दिखा दो। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर हमने इनके मुर्गे वगैरह के साथ भी ब्लॉग किया, आपको मुर्गे वगैरह दिखाए जो इन्होंने रखे हुए थे। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक अल्लाह हाफिज़।